राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। जिस घड़ी का सभी को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई। रामलला राम मंदिर में विराजमान हो गए। विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब गर्भगृह से बाहर आए, श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास और मौके पर मौजूद अन्य साधु संतों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी ने दोनों हाथ जोड़कर मंदिर परिसर के बाहर मौजूद लोगों का अभिवादन किया। फिर शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियावर रामचंद्र की जय के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। चंद्र की जय। श्रद्धे मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, यहां उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। पीएम नरेंद्र मोदी ने राम के चरित्र की व्याख्या की। उनके मुताबिक राम व्यापक हैं, विश्व हैं, विश्वात्मा है। इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव शताब्दियों तक नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों तक होता है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभू है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आज वे पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहे हैं कि काल चक्र बदल रहा है। हजारों वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। हजार वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखूबी समझाया कि हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है। ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। हर युग में लोगों ने राम को जिया है, हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है, और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के बाद श्रमजीवियों पर पुष्प वर्षा की, तो वहीं गरुड़ मूर्ति को भी नमन किया
बहरहाल 22 जनवरी 2024 की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।